नमस्कार, मैं संस्कृति सिंह और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज। बेगूसराय में आज बेगूसराय पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने स्वर्ण व्यवसायी के घर हुए डकैती मामले का उद्भेदन कर लिया तथा 79 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी, 7,72,000 नगद समेत घटना में प्रयुक्त कार एवं 2 मोटरसाइकिल को बरामद किया। गिरफ्त में आए अपराधियों के पास पुलिस ने 3 पिस्टल, 1 देशी कट्टा, 20 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। गौरतलब है कि 5 दिसंबर को रतनपुर थाना क्षेत्र के मियाचक मोहल्ले में रहने वाले स्वर्ण व्यवसायी कमलेश्वर मंडल के घर अज्ञात अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर घरवाले को बंधक बनाकर 500 ग्राम सोना, 70 किलोग्राम चांदी तथा 70,000 रुपए की लूट की गई थी। लूटपाट की घटना के दौरान अपराधियों ने परिवारजनों को बंधक बनाकर मारपीट भी किया था, जिसमें स्वर्ण व्यवसायी के पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मोबाइल सर्विलेंस एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से अपराधियों की छानबीन शुरू की तो घटना के तार खुद ब खुद खुलते चले गए और सर्वप्रथम पुलिस ने पश्चिम बंगाल के जिला 24 परगना निवासी गोपाल चौधरी को गिरफ्तार किया। गोपाल चौधरी के घर पुलिस ने 1 किलोग्राम चांदी एवं 79 ग्राम सोना एवं 1,72,000 नगद भी बरामद किया। तत्पश्चात पुलिस ने अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की तो 23 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि कुख्यात अपराधी मटिहानी निवासी शशि ठाकुर अपने अन्य अपराधी साथियों के साथ लूटी गई सोना एवं चांदी को बेचकर और राशि का बंटवारा करने के लिए मटिहानी जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने पटना निवासी मोहम्मद कलीम, नवादा निवासी अविनाश कुमार एवं पटना के खाजकला थाना निवासी रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान कुख्यात अपराधी शशि ठाकुर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 5:12 को यहां टाउन थाना क्षेत्र में एक डकैती की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें 6 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अपराधियों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया था डकैती का। और उसके अनुसंधान के लिए, रिकवरी के लिए, गिरफ्तारी के लिए एक SIT का गठन किया गया था। इस टीम ने घटना के बाद कई सारे CCTV फुटेजेस का अवलोकन किया। टेक्निकल सेल ने टावर डंप और इत्यादि टेक्निकल जितने भी पहलुओं से अनुसंधान हो सकता था उसको हम लोगों ने किया। सभी पहलुओं पे हम लोग अनुसंधान करते हुए, टेक्निकली मैनुअली इनपुट कलेक्ट करते हुए बेगूसराय ज़िले में कई स्थानों पे छापेमारी हुई और इसके साथ साथ हाजीपुर, पटना, यहाँ भी अलग अलग ठिकानों पे जैसे जैसे हम लोग को अनुसंधान में जानकारी मिलती गई उसमें हम लोगों ने छापेमारी की। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी हम लोग को टीम भेजकर रेड करवाया गया। उसमें वहाँ से जो अभियुक्त के नाम आए थे अनुसंधान के क्रम में, उसके घर से वहाँ पर हम लोग को सामान बरामद हुआ। चांदी का और सोने का सामान मिला, कुछ कैश वहाँ से रिकवर हुआ। इसमें छापेमारी हम लोग गिरफ्तारी के लिए कर रहे थे, तभी कल हम लोग को सूचना मिली कि उसके केस से रिलेटेड अभियुक्त लोग पैसा का बंटवारा करने के लिए बेगूसराय के ही इलाके में हैं। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए तुरंत हम लोग टीम यहाँ से रवाना की और उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 1 व्यक्ति वहाँ से भागने में सफल हो गया। जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति, उनमें गोपाल चौधरी, मोहम्मद कलीम, अविनाश कुमार और रंजीत कुमार, ये 4 लोग हैं। एक शशि नामक जो अपराधी है वो भागने में सफल हुआ। जो शशि उस पहले केस में भी वांटेड है थे, तो उनका हम लोग पुनर्बयान लिए हैं और उन्होंने 70 किलो चांदी का दिया है गहना और 500 ग्राम सोने की ज्वेलरी का उन्होंने हिसाब बताया है। और इन लोगों से जो पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग तो जो गला कर बेचते हैं तो सुनार हम लोगों को 35% जितना उस पर कॉस्ट होता है, क्योंकि चांदी के बहुत सारे गहने जो थे इनका कहना है कि बहुत पुराने थे, 35% जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उसका हम लोगों को मिला था। कुल 18 लाख रुपये इन लोगों को कैश मिले थे जितना भी ज्वेलरी इन लोगों ने बेचा है। उसमें से मैंने बताया 7.5 लाख रुपये करीब बरामद है, 1 किलो ज्वेलरी और बरामद है चांदी की और 80 ग्राम। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। 55 इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल।
करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।